हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगवान गोट्स फार्म। अलैकुम। आज अगवान गोट फार्म पे एफएमडी के वैक्सीन का काम चालू है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी जो घर पे बकरे पालते होगे या फार्म पे भी पालते होगे, तो अभी बारिश का सीजन है तो एफएमडी का वैक्सीन करो अपने जानवरों को। कोई इतनी महंगी नहीं आती है, 320 रुपये की डब्बी आती है 30 ml की, 30 जानवरों को होता है, हर एक जानवर को 1 ml लगती है। ये आपको 18 गेज की नीडल लेनी है और छोटी सिरिंज लेनी है आपको 2-3 ml की। 1 ml मारना है एक जानवर को, ये घोस में लगता है, चमड़ी में नहीं मारना है आपको, घोस में मारना है। 1 ml लगती है हर एक जानवर को, 4 महीने के ऊपर के बच्चे जितने भी हैं सबको। कोई बकरी अगर प्रेग्नेंट है, तीन महीने तक की अगर प्रेग्नेंट है तो उसको भी मार सकते हो, ये कोई हानिकारक नहीं है, उल्टे का अपने बकरे को फ़ायदा ही होगा। इससे क्या होता है कि अगर ये नहीं लगाते वैक्सीन तो इसके खुर पक जाते हैं और खुर में पकने के कारण बकरा बैठ जाता है और वो जल्दी अच्छा भी नहीं होता, और बाद में जब उसको चाटता है तो ये इन्फेक्शन उसको मुंह में भी हो जाता है, तो उसका मुंह भी पूरा पक जाता है, तो बाद में बकरे की बचने की उम्मीद बहुत कम रहती है। तो आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने छोटे बड़े सब बकरों को, 4 महीने के ऊपर के सब जानवरों को वैक्सीन करो 1 ml FMD का। और यही सही समय है मेरे ख्याल से, यही सीजन है FMD का। समय है क्योंकि बारिश में ही PPR और FMD की बीमारी आती है। एक डोज देने के बाद में 20 दिन के बाद में अगर आप दूसरा डोज देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप 6 महीने के बाद में दे सकते हो। अगर बूस्टर डोज दोगे 21 दिन के बाद में या 20 दिन के बाद में तो आप 1 साल के बाद दे सकते हो। अगर नहीं देना है तो आप 6 महीने के बाद फिर से एक बार दे सकते हो। ये इंजेक्शन के लगाने का तरीका देखो, मैंने 1 ml भर लिया है इसके अंदर, इसमें से आपको हवा निकाल देनी है, एक बार चेक कर लेना है। और एक गर्दन के नीचे का जो पैर के बीच का हिस्सा होता है, यहाँ पर घोस होता है, यहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती है, इसको चेक कर लेना है। इसको एक बार दबा के ऐसा बाहर खींच के चेक कर लेना है कि आपको इसके अंदर खून तो नहीं आ रहा है। अगर खून आता है तो आपको यहाँ से निकाल लेना है, फिर इसको दूसरे जगह पर ऐसा लगाना है और इसको आपको दे देना है ऐसा। एकदम आसान तरीका है और इंजेक्शन देने के बाद